शहर में सुरमई बादलों के डेरे, हवा चलने से हब्स की छुट्टी, जुलाई में मार्च का खुशगवार एहसास। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई, आज पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान का पीर को दौरा लाहौर मुतवक्के के वजीर आला सरदार उस्मान बुजदार से 101 मुलाकात और अहम इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आजम मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। उठाने लगा लाहौर समेत सूबे में केसेस में इजाफा, 24 घंटे के दौरान कोरोना केसेस की फिर डबल सेंचुरी, 206 नए केस रिपोर्ट, मूजी वायरस के 22 सात अफराद ने दम तोड़ा। चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास, कोरोना की सूरत हाल, वैक्सीनेशन की रफ्तार का जायजा, कहा कोरोना की चौथी लहर का खतरा मौजूद है। चीफ सेक्रेटरी का वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मास्क पहनने से कोरोना के फैलाव में कमी मुमकिन है, कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं। लाहौर वेयर्स मास्क मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मनसूबा और मुहिम है, मंसूबे पर सरकारी फंड्स खर्च नहीं हुए। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को चलान के साथ मुफ्त मास्क देने का फैसला, शहर भर में रोजाना 15,000 चलान किए जाते हैं। ट्रैफिक वार्डन अमरीकी इदारे के ताबुन से मिलने वाले मास्क तकसीम करेंगे। ईद कुर्मा करीब आते ही शहर में महंगाई का तूफान, घी कुकिंग ऑयल की कीमत में 10 से 15 रुपए किलो इजाफा, दर्जा अव्वल का घी 328 से 343 रुपए फी किलो में बिकने लगा। तो की जेब को भी ना बख्शा, चीनी की कीमत फिर आउट ऑफ कंट्रोल, परचून में 105 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी, 100 किलो की बोरी का एक्स मिल रेट 6 रोज में 600 रुपए बढ़ गया, चीनी मजीद महंगी होने का खदशा। महंगाई के असेब ने बच्चों की जेब को भी ना बख्शा, मुख्तलिफ ब्रांड्स के बिस्किट महंगाई की नजर हो गए, बच्चों के बिस्किट 5 रुपए तक महंगे, 20 रुपए में बिकने वाला हाफ रोल 25 रुपए का हो गया। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा चिट्टा रंग, कट काट देखने वाले रह जाएं दंग, लिखुडेर मवेशी मंडी में गुल्लूबट ने धूम मचा दी, दूध मुरब्बे खिलाकर पाला है व्यापारी का दावा, 70 लाख मांग लिए। इसकी कीमत 70 लाख रुपए भाईजान, और हम इसे दूध पिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं, उसके अलावा ये मुरब्बा भी इसको खिलाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी खुराक है इसकी, वो हम खुद नहीं खाते पीते, जो इसे खिलाते पिलाते हैं। मुल्तान रोड पर जानवरों को लाने वाली गाड़ियों के बायस ट्रैफिक रवानी मुतासिर नहीं होनी चाहिए, कमिश्नर ने हिदायत जारी कर दी, जानवरों की गाड़ियों के लिए अलग लेन मुख्तस करने की हिदायत। एनएलए इम्तिहान नामंजूर, नामंजूर, ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट्स का जनरल अस्पताल के बाहर एहतजाज, फिरोजपुर रोड को बंद करके नारेबाजी, एनएलए काला कानून करार, डॉक्टर्स का कबूल करने से इनकार। गवर्नमेंट की अनजस्ट पॉलिसीज के खिलाफ यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, हम लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं ना कि कोई पागल बन रहे हैं कि आप लोग एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम फिर तीसरा एग्जाम और यूएस और बाकी यूरोप की नकल करते हुए आप लोग बिला वजह के एग्जाम यहाँ पे हमें नाफिज करते हैं जिनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। या नशे की अमाजगाहें, पनागाहों में मनशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ, पनागाह में कयाम करने वाले 9.6% अफराद ने पनागाहों में ड्रग्स लिए जाने की निशानदेही की, सरकारी रिपोर्ट। कब्जा माफिया ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चादरा को पार्किंग स्टैंड बना लिया, नशेयों के भी डेरे, खेल की सरगर्मियां मौतर, शादरा के खिलाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर कब्जे के खिलाफ सरापा एहतजाज। पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट भर्ती खत्म, आईजी पंजाब इनाम गनी ने समरी वजीर आला पंजाब को इस साल कर दी, पंजाब पुलिस में डायरेक्ट एएसआई भर्ती करने की सिफारिश। प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की मुद्दत तकर्री खत्म होने के करीब, महकमा सेहत नए प्रिंसिपल की तैनाती का अमल शुरू न कर सका,
प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल की प्रिंसिपलशिप 20 जुलाई को खत्म हो जाएगी। सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ के तालिबा के लिए सालाना तकरीब करने का एसोसिएट डीन आबिदा अब्दुल खालिक की खसूसी शिरकत। कहती हैं तलबा को तख्लीकी सलाहियतों में निखार लाने के लिए मजीद प्रोग्राम मुनक्द करेंगे। कंकॉर्डिया कॉलेज केनाल कैंपस के जेर एहतमाम इंटरमीडिएट पार्ट टू की तालबात के एजाज में अलविदाई तकरीब। तालबात की कसीर तादाद में शिरकत। तालबात ने कवालियाँ और टैबलो पेश करके दाद समेटी। कम उम्र पाकिस्तानी कोहे पैमा शहरोज काशिफ एक और चोटी सर करने को तैयार। शहरोज काशिफ के टू सर करने के मिशन पर सूबाई वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी का शहरोज काशिफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर के साथ मैं हूं फाकरा इकबाल और मैं हूं सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जाने ब्रिटेन के आगाज में सबसे पहले शामिल करेंगे मौसम का अहवाल। सुबह सवेरे शहर में काली घटाओं की एंट्री, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। कई रोज से पड़ने वाली गर्मी का जोर भी टूट गया। महकमा मौसमियात की तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सुबह सवेरे शहर में काली घटाओं की एंट्री, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। कई रोज से पड़ने वाली गर्मी का जोर भी टूट गया है। मजीद तफसीला जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग आफाक हाशमी से। आफाक हाशमी, मौसम औसम हो गया है जी? बिल्कुल, बात की जाए शहर लाहौर में मौसम की तो शहर लाहौर का मौसम जो है वो तब्दील हो चुका है। ठंडी हवाओं ने शहर लाहौर का रुख कर लिया। रात को तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी लेकिन सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने लगी और मौसम जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो गया। आज जो है वो तेज़ हवाएं शहर लाहौर में जो है वो दाखिल हो चुकी हैं। सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोली का खेल जो है वो जारी है। महकमा मौसमात के मुताबिक अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 39 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड जो है वो आज रिकॉर्ड किया गया। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों की भी खुशखबरी जो है वो सुना दी गई है, जबकि आइंदा चंद रोज़ तक शहर लाहौर में अब्र रहमत बरसने के भी जो है वो चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। तेज़ हवा जो है वो आज चल रही है, मौसम जो है वो ठंडा है, गर्मी का जोर काफ़ी हद तक टूट चुका है। चूँकि गुज़श्ता 2-3 रोज़ से जो है वो गर्मी की शिदत में इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका था कि शहरी बुजुर्ग बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते थे इस हवाले से, गर्मी की वजह से हब्स का मौसम था। लेकिन ये तेज़ हवाओं ने जो है मौसम का अंदाज़ जो है वो कुछ बदल दिया। शहरीों के चेहरे फिर खुशी से जो है वो खिल उठे। और बहुत शुक्रिया आफाक हाशमी, आपका हमें तफसील लगा कर रहे थे। बात की जाए कोरोना के हवाले से तो कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा वबा सर उठाने लगी है। लाहौर में 99 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद एक मरीज जान की बाजी भी हार गया है। पंजाब में 206 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मजीद 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लाहौर और पंजाब भर में मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रही। कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने में आया और वबा फिर से सर उठाने लगी। लाहौर में 99 नए केसेस रिपोर्ट, जबकि मजीद एक मरीज जान की बाजी हार गया। वबा को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था लेकिन अब फिर से इसमें देखने में आ रहा है जोर। और पंजाब में 206 अफराद में वायरस की तस्दीक भी हुई है, जबकि मजीद 7 अफराद जान की बाजी भी हारे हैं। लाहौर और पंजाब भर में मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रही। मोहसिन नवान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा कि फिर से सर उठाने लगी वबा। आज बिल्कुल 24 घंटों के दौरान मामूली इजाफे देखा गया है कोरोना केसेस में। कोरोना के मरीजों की तादाद 3,45,000 से तजावज कर गई है। 3,28,000 बाद अब तक एहतियात हो गए हैं। मकानी केसेस की तादाद 5,300 है। अगर इसमें ब्लॉक में एक मौत रिकॉर्डिंग शुरू करने 7 अपराध हैं तो जान की वाजी आ गई है। 24 घंटों के दौरान शुरू करने अगर बात करें तो लाभ सबसे ज्यादा किन इलाकों में ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर के अंदर रावलपिंडी, भूटान, सियालकोट, इन इलाकों में ज्यादा केसेस 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर के अंदर दिल्ली में, रावलपिंडी में, मुल्तान में 10, सियालकोट में 4। अगर बात करें दूसरे शहरों की तो फैसलाबाद, रेवाड़ी में 2 नए केसेस सामने आए, जैसे बालपुर, बक्कर, चिरौदा में 1-1 कदमे कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सुबह के तमाम शहरों में मुस्बत शरह 1.2% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मुस्बत शरह 1.3, फैसलाबाद में 0.3, भूटान में 0.9, शेखपुरा में 0.5% रिकॉर्ड की गई। जी मोहसिन नवान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।